हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड बूस्टर में, जहां हम शेयर्स को करते हैं एनालाइज टेक्निकल और फंडामेंटल बेसिस पर और आपको देते हैं बाइंग कॉल्स, बाइंग प्राइस और टारगेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड बूस्टर को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो और हमारे हर सेशन का अपडेट मिलता रहे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी टेलीग्राम फैमिली से तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ट्रेड बूस्टर टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, सो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, तो आप वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी का पोर्टफोलियो प्रॉफिट से हरा भरा होगा। अगर नहीं है तो बने रहिए ट्रेड बूस्टर के साथ में, जल्द ही आपका पोर्टफोलियो भी हरा भरा हो जाएगा। ओके, सो फ्रेंड, चलिए चलते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पर। आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा, अगर अच्छी कंपनी में स्टॉप लॉस हिट होता है तो क्या करें। अच्छी कंपनियों का मतलब उन कंपनियों से है जिनके फंडामेंटल्स बढ़िया हैं और बिजनेस मॉडल भी अच्छा है एंड जिनका टेक्निकल भी अच्छा है, उनको यहाँ पर अच्छी कंपनी बताया गया है। आपके हिसाब से कोई कंपनी अच्छी हो सकती है, हो सकता है वो मेरे हिसाब से अच्छी ना हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी मेरे हिसाब से अच्छी हो और आपके हिसाब से अच्छी ना हो। तो इसलिए अच्छी की डेफिनेशन सभी के लिए अलग अलग है एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर अच्छी कंपनी में स्टॉप लॉस हिट हो तो आपको क्या करना चाहिए। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कुछ पॉइंट्स को और चलिए देखते हैं कि क्या है वो पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आपकी पोजीशन में स्टॉप लॉस है तो आप ट्रेडर हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है, क्योंकि कभी भी ट्रेडिंग बिना स्टॉप लॉस के नहीं करनी चाहिए। और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के बिना करना ऐसा है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी को चलाना। सो इसलिए ये अपने आप में एक अच्छी बात है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी पोजीशन में स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपकी पोजीशन में स्टॉप लॉस है तो आप एक ट्रेडर हैं एंड ट्रेडर के कुछ डिसिप्लिन होते हैं, लाइक एसएल हिट हुआ तो बाहर, टारगेट आया तो एग्जिट, या फिर टारगेट आने पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐड करके प्रॉफिट को लॉक करना। तो सभी ट्रेडर्स के कोई ना कोई डिसिप्लिन होते ज़रूर हैं। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट एक कड़वा सच है और कड़वा सच ये है कि ट्रेडर के अंदर पेशेंस की थोड़ी कमी होती है इन्वेस्टर के कंपैरिजन में। मतलब सिंपल ये है कि ट्रेडर के अंदर इन्वेस्टर जितना पेशेंस नहीं होता है। एंड ये हो गए हमारे तीन पॉइंट्स। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अच्छी कंपनियों में स्टॉप लॉस हिट होने के बाद क्या करें। तो दोस्तों, इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि किसी भी कंपनी में स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में आपको उस स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों करना चाहिए, अगर कंपनी अच्छी है तो वो फिर से वापस ऊपर आ जाएगी। यस, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन सेल करने के पीछे का कारण मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ हम एग्जांपल लेंगे एक कंपनी का, कंपनी के चार्ट का। सो चलिए चलते हैं कंपनी के चार्ट पर। तो दोस्तों, ये एक कंपनी है, कंपनी नहीं, अच्छी कंपनी है जो ट्रेड कर रही है करीब 390-365 के आसपास में। अगर आप बात करें यहाँ तक तो इसके फंडामेंटल भी सब बढ़िया हैं, सब कुछ ठीक है, टेक्निकल भी अच्छा है, बिजनेस मॉडल सब कुछ बढ़िया था। यहाँ पर देखिए ध्यान से चार्ट को, चार्ट भी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में था, लेकिन मान लो कि आपने इस कंपनी में पोजीशन बनाई, आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपका पहला स्टॉप लॉस लेवल होना चाहिए करीब 330 का एंड लास्ट अल्टीमेट स्टॉप लॉस लेवल होना चाहिए करीब, ये मेजर सपोर्ट लेवल, करीब 285 के आसपास में। यहाँ तक ये कंपनी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है इस कंपनी में, बिजनेस मॉडल भी सब कुछ ठीक है, उसके बाद में आप इसमें पोजीशन बनाते हो एंड आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फर्स्ट स्टॉप लॉस करीब
हाँ यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लेकिन आप इसको यहाँ पर सेल नहीं करते। देन 285 का जो आपका लास्ट स्टॉप लॉस लेवल था वो भी हिट हो जाता है, और इतने बड़े वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर, लेकिन आप इस पोजीशन को नहीं काटते कि कंपनी अच्छी है फिर से ऊपर आ जाएगी। लेकिन उसके बाद में देखिए कि आपके साथ क्या होता है यहाँ पर। सो ध्यान से देखते रहिए इस चार्ट को, देखते रहिए ध्यान से, मैं इसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ चार्ट को, तो ध्यान से देखते रहिए। आपने इस स्टॉप लॉस पर सेल नहीं किया, इस पर सेल नहीं किया, आपने सोचा कि कंपनी अच्छी है फिर से ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ से एक छोटा सा ट्रेंड स्टार्ट हुआ कंपनी में ऊपर आने के लिए, लेकिन नहीं आ पाई। उसके बाद में फिर से आगे देखते रहिए इस चार्ट को, और चार्ट के साथ में हुआ क्या है ध्यान दीजिए। देखिए देखते रहिए ध्यान से, कंपनी यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आती है, और जो आपका सपोर्ट लेवल था यहाँ पर, जो आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस का लेवल था, उसको कंपनी यहाँ पर टच करती है, लेकिन उसके ऊपर नहीं निकल पाती, और फिर से इसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है, ज़बरदस्त वाला डाउनफॉल। अब ध्यान से देखते रहिए इस चार्ट को, ये देखिए, तो आपने पोजीशन बनाई थी करीब 365 के लेवल के आसपास में, और कंपनी आकर खड़ी हो जाती है यहाँ पर 100 के लेवल पर। तो अब तक आपका जो लॉस होता है फ्रेंड्स, वो होता है करीब 72% के आसपास का, लेकिन ये गिरावट यहाँ पर रुकती नहीं है। अच्छी कंपनी होने के बावजूद ये कंपनी यहाँ से और गिरती है। देखिए ध्यान से देखते रहिए, देखते रहिए इस अच्छी कंपनी को, और फाइनली स्टॉक यहाँ से गिरकर आ जाता है करीब 35 रुपये के आसपास में। मतलब यहाँ पर आपका लॉस करीब 90% से ज़्यादा हो चुका है, अच्छी कंपनी में स्टॉप लॉस पर हिट होने पर ना निकलने की वजह से। ध्यान से देखिए इस चार्ट को, यहाँ से नीचे के लेवल से एक छोटा सा पुलबैक स्टार्ट होता है, जैसे स्टॉक को फिर से लेकर जाता है करीब 90 के लेवल तक, एंड फिर से डाउनफॉल स्टार्ट होता है कंपनी का, और कंपनी गिरकर आती है करीब 13 रुपये पर। कौन सी कंपनी है ये, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कंपनी है ये। तो दोस्तों ये है यस बैंक, याद है ना सभी को, नहीं याद है तो मैंने याद दिला दिया आज। यहाँ तक ये कंपनी एक अच्छी कंपनी थी, और आपने स्टॉप लॉस हिट होने पर अपनी पोजीशन नहीं काटी, और अगर पोजीशन नहीं काटी तो यहाँ पर क्या हालत की है आपके पोर्टफोलियो की इस स्टॉक ने, इसलिए स्टॉप लॉस हिट होने पर आपको पोजीशन काटनी चाहिए। आई नो कि अब आप कहेंगे सभी कंपनियाँ यस बैंक जैसी कंपनियाँ नहीं होती हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन अगर कोई स्टॉक स्टॉप लॉस के लेवल को हिट करके नीचे जाता है तो चाहे भले ही वो ऊपर आ जाए, लेकिन उसमें ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा ये ना तो आप बता सकते हैं और ना ही मैं बता सकता हूँ। चलिए यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ये भी एक अच्छी कंपनी है, ये दूसरा स्टॉक है, तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था करीब 9000 के आसपास में। आप इसमें इस ब्रेकआउट पर यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, आपने स्टॉप लॉस लगाया, अच्छी कंपनी है तो आपने स्टॉप लॉस लगाया इसमें करीब 8715 के लेवल पर, एंड आपका स्टॉप लॉस अल्टीमेट लेवल हो गया करीब 8400 के आसपास का। अब उसके बाद में देखिए कि कंपनी में होता क्या है, एंड ये कंपनी अच्छी ही है, ठीक है, देखते जाइए इस स्टॉक को। तो स्टॉक में गिरावट स्टार्ट होती है यहाँ पर, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता है, फर्स्ट सेकेंड यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपके दोनों स्टॉप लॉस हिट हो गए, लेकिन आपने अच्छी कंपनी के चक्कर में इसमें अपनी पोजीशन नहीं कट की। तो ध्यान से देखिए, जो गिरावट स्टार्ट हुई वो हुई करीब 7 सितंबर 2018 को, एंड उसके बाद से ये कंपनी कब तक खड़ी है यहाँ पर इस लेवल के नीचे, जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लेवल वो 8700 का था। अब ध्यान से देखिए इस कंपनी के चार्ट को, ये चार्ट है मारुति का, क्या ये अच्छी कंपनी नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन 2018 के सितंबर से ये कंपनी उस लेवल को आज तक अचीव नहीं कर पाई है जहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ था। कितना टाइम हुआ यहां से यहां तक का, तो दोस्तों अगर हम टाइम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा टाइम यहां पर निकल कर आता है करीब 37 महीने का, करीब 3 साल से ज़्यादा का टाइम यहां पर हो चुका है, लेकिन ये कंपनी आपके स्टॉप लॉस लेवल के ऊपर आने की बात तो दूर, इसने टच तक नहीं किया 3 सालों में। एंड ऐसे एग्जांपल इस मार्केट में भरे पड़े हैं जो कंपनियां अच्छी हैं, लेकिन स्टॉक जब एक बार स्टॉप लॉस को हिट कर देता है, थोड़ा नीचे जाता है, वो ऊपर कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं
एंड स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस हिट होने पर अपनी पोजीशन कट करनी ही चाहिए। कभी कभी ऐसा होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा लेकिन स्टॉक फिर से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा फिर से ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर इसमें समस्या क्या है, जैसे स्टॉक ऊपर चलना स्टार्ट करेगा आप उसके अंदर यहाँ पर फिर से बाइंग कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई स्टॉक आपका स्टॉप लॉस हिट करे और 2-3 महीने के बाद में फिर से ऊपर आना स्टार्ट हो जाए, तो आप उसके अंदर 2-3 महीने के बाद में फिर से बाइंग कर सकते हैं ना। तो ना तो आप कभी यस बैंक जैसी कंपनी में फंसेंगे ना कभी आप मारुति जैसी कंपनी में फंसेंगे, और ये दोनों ही अपने टाइम की अच्छी कंपनी है। यस बैंक अपने टाइम की अच्छी कंपनी थी और मारुति अपने टाइम की अच्छी कंपनी है, लेकिन ट्रेडिंग में मेन पॉइंट होता है ट्रेंड। ट्रेंड इज फ्रेंड, सो ट्रेंड को फॉलो कीजिए, ट्रेंड को फ्रेंड बनाइए और पैसा बनाइए। एंड ये था मेरा आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं, बाय बाय।